सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है सर। आज हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना सर, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता सर क्या आपको नहीं लगता कि ये पुलिस की नाकामी है? हमारी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ही कोलैबोरेशन में 3-4 यूनिवर्सिटी के जो पुलिस का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उन्होंने कार्यक्रम रखा था नारकोटिक्स को कंट्रोल करने के लिए, और जो मैरिजुआना वगैरह हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो उसको एक कंट्रोल करने के लिए, तो उसी में वो कार्यक्रम चल रहा था, काफ़ी अच्छा कार्यक्रम था। तो मैं भी सर एक लॉ स्टूडेंट हूँ, सोसाइटी से काफ़ी जुड़ा रहता हूँ, सारी चीज़ें हम भी सोसाइटी को पास से देखते हैं, तो उसमें मेरा यही था कि पिछले कुछ सालों में मेरा भी ये देखना है कि मैरिजुआना यूज़ और ड्रग यूज़ सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इन सब चीज़ों को ही मैं उनके सामने हाईलाइट करना चाह रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस विभाग है, इनको शायद और सख्त होने की ज़रूरत है। और सोसाइटी तो काम करती है सर, क्योंकि हम तो नेगेट करते ही हैं इन चीज़ों को एज अ सोसाइटी, बट पुलिस के पास वो पावर है कि इन चीज़ों को पूरी तरीके से रोक सकती है और इस पर रोकथाम लगा सकती है। बिकॉज सर भले ही 10-15 हज़ार बच्चे हैं यहाँ पर, उन पर उनका जवाब यही था कि 10-15 हज़ार बच्चे हैं, 85 पुलिस वाले हैं, और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन सर आप देखिए कि एक पूरे इतने बड़े एरिया में गांजा बेचने वाले भी ज़्यादा नहीं होंगे, तो अगर एक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बच्चा यहाँ आके 10-15 दिन में उसका पता लगा सकता है, तो शायद पुलिस के सूचना तंत्र के पास इतनी ताकत तो है कि वो पता लगा के उनको कर्ब कर ले और उनको गिरफ्तार करके जो भी है इस चीज़ को पे पूरी तरीके से रोकथाम लगाए, और यही मेरा मुद्दा था। बाकी इसके अलावा पुलिस चौकी के सामने बिकता है जी, देखिए सर पुलिस चौकी के सामने बिकना या फिर आसपास सड़कों पे बिकना, तो ये तो सर एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे को सोसाइटी में दिखेगी, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था उस चीज़ के अंदर कि जहाँ चौकी है उसके आसपास भी जो पूरा यूनिवर्सिटी एरिया है, क्योंकि सर यहाँ पर किसी के पास व्हीकल नहीं है, आप सामने अशोका यूनिवर्सिटी देखेंगे, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन देखेंगे, तो सर ये स्वाभाविक सी बात है कि जो गांजे का डीलर है या फिर कोई भी ऐसा नशे की सामग्री बिकती है वो आसपास के एरिया में ही बिकना ज़रूरी है, और यहाँ सामने पुलिस चौकी है, कमिश्नरेट है, तो कोई बच्चा इतना दूर नहीं जाएगा सर कोई भी ऐसी सामग्री लेने के लिए। तो सर देखिए हमारे कॉलेज के कैंपस के अंदर तो चीज़ें अलग हैं, कैंपस के अंदर चीज़ें अलग हैं, लेकिन बाहर आप जाके देखेंगे तो अगर चीज़ें हमारे को सोसाइटी में दिख रही हैं तो ऐसा तो है नहीं सर वो कि अलग स्टेट से आ रही होंगी या फिर कहीं दूर से आ रही होंगी, तो ये स्वाभाविक है कि आसपास ही इन चीज़ों की बिक्री और सेल ये सब हो रही होगी, तो ये स्वाभाविक सी चीज़ है सर, इन्फर करा जा सकता है इसको। जिस तरह आपने निडर होकर कहा उसके बाद चारों तरफ आपकी तारीफ हो गई, क्या कहूँ जी सर, हम तो लॉ स्टूडेंट हैं, आगे जाके लिटिगेशन ही करना है, तो सर इन चीज़ों से ठीक है, अच्छा लगता है सर कि मेरा मैसेज सोसाइटी की तरफ पहुँच रहा है और सोसाइटी जो भी मैंने चीज़ बोली उससे लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है, और शायद अगर एक भी इंसान इस चीज़ की वजह से नशा छोड़ता है तो मेरा पर्पस सर वहीं पर सॉर्ट हो जाता है। आपके कहने के बाद पुलिस अधिकारी भी अब सख्ती से निपटने की तैयारी में है? मेरे को पूरा विश्वास है सर ऐसा हो रहा होगा, और बहुत अच्छी बात, अगर ऐसा हो रहा होगा तो मेरा बोलने का पर्पस फुलफिल हो गया। क्या आप ये माने कि जो यूनिवर्सिटीज एरिया है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, बच्चे हैं इसी यूनिवर्सिटी कैंपस में नशा तस्कर सक्रिय है? इस नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, आसपास की यूनिवर्सिटी में या इसी? देखिए सर यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी अलग अलग नहीं है, चाहे वो DU हो चाहे कर्नाटका में यूनिवर्सिटी हो, वी एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर द कम्युनिटी, और अगर ड्रग्स की कोई भी चीज़ कोई भी सामान एक भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कंज्यूम कर रहा है, भले वो इस यूनिवर्सिटी का हो उस यूनिवर्सिटी का हो या DU मुंबई कहीं की भी यूनिवर्सिटी का हो, तो सर ये एक यूनिवर्सिटी पर ही मिनेस है ड्रग की जो कि कंजम्पशन है,
तो मेरा कहने का मतलब इस यूनिवर्सिटी या उस यूनिवर्सिटी का नहीं था, बल्कि पर्पस ये था कि एक यूनिवर्सिटी कल्चर के अंदर जो ड्रग्स और मैरिजुआना है वो बहुत ज्यादा सक्रिय होता जा रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसको सख्ताई से डील करना चाहिए ताकि बच्चे बच सके, उनकी फैमिलीज बच सके। अशोका यूनिवर्सिटी में IIT कॉम्प्लेक्स में जागरूकता अभियान HSNCB द्वारा चलाया गया था। उस दौरान लेक्चर के बाद जब जैसे क्वेश्चनिंग करते हैं तो एक स्टूडेंट ने पूछा कि चौकी के आसपास यहाँ पर गांजा बिकता, पुलिस क्या कर रही, तो मैंने उनको सेटिस्फाई कर दिया था कि हमारी टीम में भी आज जैसे नोटिस में आया है तो आज से हमारी टीम भी उसकी निगरानी रखेगी और स्थानीय पुलिस भी मीडिया के माध्यम से अवगत हो चुकी है, तो अवश्य ही हम उस पर कार्रवाई करेंगे और स्थानीय पुलिस तो वहाँ पर है ही, वो तो कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। गांजा तस्करों के पास पहुँच जाता है लेकिन पुलिस नहीं पहुँच पाती, देखिए वो सूचना की बात है, जैसे अब सूचना आई है तो उस पर एक्शन भी जरूर होगा और हम प्रयासरत हैं, हमने भी अपने सोर्सेज लगाए हैं और अगर ऐसा है तो हम अवश्य इनको जल्दी पकड़ें। एक स्टूडेंट, लॉ के स्टूडेंट ने पुलिस अधिकारियों के सामने सिस्टम के धागे खोल दिए, सर किस तरह से देखते हैं? देखिए उसकी विश्वसनीयता का भी कोई हम आइडिया नहीं लगा सकते कि वो बच्चा किस संदर्भ में बोल रहा था, लेकिन हमने निगरानी वहाँ पर लगा दी।